मॉर्निंग गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो पेपर में आपको टफ लगता है, आपके एग्जाम में नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं और ग्रेजुएशन से लेके, और जब भी आप किसी भी कंपटीशन टेस्ट को फाइट करते हैं तो आपको वो जरूर आपको मिलता है। और ये अपने सामने है कंप्रीहेंशन, यानी अनसीन पैसेज जो अपने हमने कभी देखा ही नहीं, इसका मतलब कंप्रीहेंशन। और कंप्रीहेंशन, सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की डिटेल बताता हूं, उसके बाद कंप्रीहेंशन की डिटेल बताता हूं। सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, व्हाई डिड ही लाइक पिज्जा, वो पिज्जा को क्यों पसंद करता था, क्यों वो पिज्जा को पसंद करता था। दूसरा प्रश्न पढ़िए, हाउ मेनी पिज्जाज डिड ही ऑर्डर, उसने कितने पिज्जा का ऑर्डर किया था। एंड थर्ड वन इज व्हाई डिड हिज सन बी अपसेट, उसका बेटा क्यों परेशान था। एंड लास्ट वन इज यमी का सिमिलर वर्ड बताइए। अब ये चार क्वेश्चन जब हमने पढ़े तो हमारे सामने एक पिक्चर ध्यान आएगी कि ये क्वेश्चन के आंसर है कहां, तो है कहां, तो उसके बाद हम जाएंगे किस पे, हम जाएंगे उसके बाद पैसेज को पढ़ने के लिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप आपके सामने पैसेज आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, नंबर एक बात आपको बहुत से चैनल वाले बताते हैं कि सबसे पहले आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना चाहिए, अच्छे से रीड करना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए, दो बार पढ़ना चाहिए, तीन बार पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनकी बात गलत है, लेकिन आपके पास कितना टाइम है पढ़ने के लिए, कितने टाइम में आपको उस पेपर को अटेम्प्ट करना है, और बाद में कहीं ये ना हो कि आपके पास क्वेश्चन करने के लिए टाइम ही ना बचे और फिर आप पछताते रहें, अब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताए क्या होत, वो वाली कहावत आपके साथ ना बन जाए। इसलिए मैं आपको दोनों ही पक्ष को और आपके साथ हूं। एट फर्स्ट आप क्वेश्चन को सरसरी निगाह से पढ़िए। देखिए, अब आपको कोई काम दिया जाता है और आपको कहा जाता है इस गुफा के अंदर जाके आपने हीरा लेके आना है, लेकिन जब आपको हीरा लेके आना है, अब आपको गुफा के बारे में पता थोड़ी करना है, तो इसलिए आपका हीरा टारगेट होगा, इसलिए आपका क्वेश्चन का आंसर टारगेट होगा। इसलिए सबसे पहले हमने चारों क्वेश्चन को रीड किया। अब मैं यहां इस बोर्ड पे काफी बड़ा आपको पैसेज तो दे नहीं सकता हूं, कभी फिर किसी पैसेज को रीड करेंगे अच्छे से आपको बताऊंगा, इसी प्रकार से इसी टाइप से पढ़ के, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट लाइन में कुछ लाइनें दी हुई है। अब आप हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, आई वॉज गोइंग टू टेक पिज्जा। अब आप इसको पढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हाउ टू रीड ए पैसेज, आपको पैसेज को कैसे पढ़ना है। यदि आपका लेंथी एग्जाम है तो उसमें आप कैसे पैसेज को पढ़ना, शुरू में आपको पैसेज थोड़ा सा जल्दी पढ़ना, यानी क्विक पढ़ना, उसके बाद आपको शुरू में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इसके बाद आपको थोड़ा सा स्लो पढ़ना, उसको सेकंड पैसेज पैरे को स्लो पढ़ना। क्यों पढ़ना स्लो, क्योंकि उसमें आइडियाज होते हैं, उसमें अवधारणाएं होती हैं, उसमें डीप क्वेश्चनिंग होती है, टू टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपके, मैंने आपको क्वेश्चन के टाइप भी बताऊंगा, उस प्रकार से आप ये जज कर सकते हैं कि आपको पैसेज को कैसे रीड करना। तो ये पैसेज आप पैसेज पढ़ते हैं, वाइज गोइंग टू टेक पिज्जा, रियली इट्स टेस्ट वॉज वेरी डिलिशियस, सो आई लाइक द पिज्जा, आई ऑर्डर थ्री अनियन पिज्जाज, माई सन वॉज अपसेट, क्यों, बिकॉज ही लाइक्ड कैप्सिकम पिज्जा। अब दिस इज अ वेरी सिंपल लाइन्स कि आई लाइक्ड पिज्जा, I bought three onion pizza, but my son liked capsicum pizza, so he was upset. मेरे को प्याज वाले पिज्जा पसंद हैं, मेरे बेटे को कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च वाले पिज्जा पसंद हैं, इसलिए वो उदास था। ये आपकी पैसेज की लाइनें हैं। अब आप हम जो है इन लाइनों पे आते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूं, अब आपने पैसेज के क्वेश्चन के आंसर देते समय क्या डूज यानी करना है, क्या डोंट यानी नहीं करना, ये आपको याद रखना। सबसे पहले अब जैसे इस पैसेज को पढ़ते हैं हम, उसमें हमारे को प्रोनाउन आई दिखता है, यानी इट इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो हमने आंसर देते समय क्या यूज नहीं करना, आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का यूज नहीं करना, नहीं तो होगा क्या। अब देखिए आंसर क्या है, व्हाई डिड ही लाइक पिज्जा, और आपने क्या किया, ओ लाइक पिज्जा, और आपने उत्तर दे दिया सो आई लाइक्ड पिज्जा, आपने इतना ही आंसर दे दिया, तो ये आंसर आपका पूरा कहां हुआ।
प्रश्न क्या पूछा गया था कि वह पिज्जा क्यों पसंद करता था, और आपने उत्तर दे दिया इसलिए मैं पिज्जा पसंद करता था। अब देखिए, अब आप ना ही तो वो व्यक्ति हैं जिसके बारे में बताया गया है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए आपको वह कहना पड़ेगा। इफ दिस इज अ गर्ल, यदि लड़की है तो सी बोलना पड़ेगा, लड़का है तो और आपको ही बोलना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ही लगेगा। यहां आपने ही लगाना है। अब आप देखिए, अभी आप कहोगे, अभी आप हमने केवल प्रनाउन के पर्सन के बारे में हम आपको डिटेल बता रहा हूं। पर्सन कौन सा यूज करना, पर्सन हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन ऑलवेज, ही यूज करेंगे, सी यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। दे कहां यूज करेंगे, यदि यहां पे आपका वी आया हुआ हो, वी के बाद आपका अवर आया हुआ हो, अवर शेल आया हुआ हो, वी आवर अस आया हुआ, तो हम जो है दे देयर देम यानी प्लूरल वाला थर्ड पर्सन का प्रनाउन यूज करेंगे। ये टेक्निकल चीज भी है और समझने वाले भी बात है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन जब मैं बात कर रहा हूं मेरे बारे में, मैं हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, वो सेकंड पर्सन है, लेकिन यहां पे एग्जामिनर और आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, लेकिन वो तो किसी के बारे में बात नहीं हो रही, ये तो पिज्जा खाने वाला, टेस्ट करने वाला तो कोई और ही है, इसलिए ही यूज होगा, इसलिए सी यूज होगा, इसलिए दे यूज होगा, इसलिए थर्ड पर्सन यूज होगा। यानी ये यूज नहीं करना, ये डूज ये करना है, ये डोंट नहीं करना। चलिए सेकंड पॉइंट, क्या यूज करना, डिफरेंट टेंस यूज नहीं करना, ध्यान रखना सेम टेंस यूज करना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पास्ट में वह पिज्जा पसंद क्यों करता था, और आपने उत्तर क्या दे दिया कि ही और लाइक्स पिज्जा, ऐसे दे दिया वह पिज्जा पसंद करता था, बिकॉज इट्स अ टेस्ट इज वेरी डिलीशियस, उसका स्वाद बड़ा और स्वादिष्ट था, वो आनंददायक था, यानी उसकी खुशबूदार था। तो यदि आप ऐसा बोल देते हैं तो खुशबूदार है, ऐसा नहीं बोलना, उसने पूछा वो क्यों खाता था, यानी उसे क्यों पसंद था, और हम उत्तर दे रहे हैं कि हमें क्यों इसलिए उस पसंद है, इसलिए उसको स्वाद लग, इसलिए ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमने पास्ट का क्वेश्चन का आंसर पास्ट में ही उत्तर देना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करेंगे आसानी से समझ आएगी। तीसरा, लाइन देखकर कभी आंसर नहीं देना भाई। कई बार हम कहते हैं, हमने प्रश्न पहला ही प्रश्न पढ़िए, फिर से पढ़ते हैं, व्हाई डिड यू लाइक पिज्जा, ओ हमने तो लाइक देख लिया और हमने तो लाइक का उत्तर दे दिया, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि हम और लाइन क्वेश्चन में जो लाइन दिखती है आंसर में उन लाइनों का उत्तर दे देना चाहिए। लेकिन यहां तो आंसर पूरा नहीं हुआ, आपने ये देख के और ये उत्तर दे दिया शो ही, चलिए आपने ही भी कह दिया शो ही लाइक्ड पिज्जा, इसलिए वह पिज्जा पसंद करता था, उत्तर तो नहीं हुआ क्यों पसंद करता था, क्योंकि इट इज डिलीशियस, ये शानदार था, इसलिए आपने पैसेज को रीड केयरफुली, यानी ये करना है, ये भी ध्यान से करना है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं उस पक्ष में भी नहीं हूं जो ये कहते हैं कि पैसेज को तो पढ़ना ही नहीं, केवल आंसर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और उत्तर दीजिए। मैं उस पक्ष में भी नहीं हूं कि केवल आप रीड द पैसेज केयरफुली, बार बार पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। इसलिए बीच का रास्ता, हमने क्वेश्चन पढ़ना एक, उसके बाद पैसेज को कैसे पढ़ना वो मैंने आपको बताया, शुरू में जल्दी पढ़ना, फिर ध्यान आराम से पढ़ना, एट लास्ट आपको जल्दी जल्दी से कवर करना। और तीसरा जो है, यहां देखिए, तो आपने उत्तर क्या देना था इसका, रीड केयरफुली करोगे तो आपको क्या उत्तर आएगा, ओ आने दो डिलीशियस, यानी शानदार था, इसलिए तो हम उत्तर क्या देंगे फिर कि इट्स टेस्ट वॉज वेरी डिलीशियस सो ही लाइक्ड पिज्जा, आंसर ये होगा। चलिए और चौथा और लास्ट, डोंट जो नहीं करना वो क्या है, लॉन्ग आंसर नहीं देना, लंबे लंबे उत्तर नहीं देना भैया। अब देखिए ये आप एक ये इससे एक बार इसको इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। कंप्रीहेंशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कंप्रीहेंशन मतलब समझना या समझाना, इंग्लिश में बात करते हैं तो एबिलिटी टू ग्रेस्प, एबिलिटी टू कैच, एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग, समझने की योग्यता,
क्या देखता है एग्जामिनर आपकी, आपकी समझने की योग्यता को देखता है कि परीक्षार्थी में जेमिनी में पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कैसे वो चीजों को निकालता है, उसको इंग्लिश की समझ कितनी है, यही तो वो देखना चाहता है। अब देखिए, अब मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन किया कि हाउ मेनी पिज्जा डिड ही ऑर्डर, कि उसने कितने पिज्जा ऑर्डर करे, और मैंने आंसर यहां से देना शुरू कर दिया। सो आई लाइक पिज्जा, आई ऑर्डर 3 पिज्जाज, माई सन वॉज अपसेट। अब मैंने इतना आंसर दे दिया। पेपर में आपको चेकिंग करने वाला जो होता है, वो आंसर में आपका वो आंसर हुआ तो नंबर तो दे देगा, लेकिन उसकी उसका माइंड सेट क्या हो जाएगा कि इस बच्चे को टू द पॉइंट आंसर देना नहीं आता, इसलिए वो आपको कम जज करके फिर पेपर में नंबर देगा। अपने आप को स्मार्ट वर्क करना है, हमने स्मार्ट वर्क करने के लिए टू द पॉइंट चलना है। अब देखिए, अब ये देखिए, वाई डिड ही, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, वाई डिड हिज सन बी अपसेट, उसका बेटा अपसेट क्यों हुआ। अब एक तो हम कहां से क्या करना उत्तर देना शुरू करते हैं, हिज सन वॉज अपसेट बिकॉज ही लाइक्ड कैप्सिकम पिज्जाज, आंसर तो इतना भी ठीक है और इतना होना भी चाहिए, लेकिन यदि हम सीधा सा टू द पॉइंट छोटा सा उत्तर देते हैं क्या, देखिए आंसर टू द पॉइंट चौथा ये करना है, लॉन्ग आंसर हमने नहीं देने, तो हमने सीधा ही क्या आंसर बनाना है इसका कि हिज सन लाइक्ड कैप्सिकम पिज्जाज सो ही वॉज अपसेट। ये जो आपका पैसेज है ये बिल्कुल छोटा है, इसलिए आपको कई बार क्या होता है कि हम और लंबा आंसर दे देते हैं, वो लंबा आंसर अपने को नहीं देना, देख और छोटा आंसर देना, शॉर्ट आंसर देना, तो ये हमें नहीं करना और ये हमें करना है। यानी बात करें तो हमें पर्सन का यूज करते हुए ध्यान रखना है, हमें जो है टेंस का यूज करते हुए ध्यान रखना है, हमें जो है और आपका पैसेज को रीड केयरफुली ध्यान से पढ़ना है, और लास्ट में जो है अपने को टू द पॉइंट चलना है, टू द पॉइंट चलना है। चलिए ये डॉन्ट ये डोज ये करने हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, देखिए इसको भी देखते हैं हम। नौवीं में अपना को पैसेज अनसीन पैसेज मिलना शुरू हो जाता है, तो उस पैसेज को जब हम करते हैं तो हमें छोटी 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 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए मैं आपके सामने टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने लिखा, 3 लेवल होते हैं क्वेश्चन के, 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल क्या होता है, इजी होता है। अब इजी कैसा होएगा, इजी किस प्रकार के प्रश्न पूछता है आपसे, इजी किससे शुरू होंगे, वो फैक्ट वाले होंगे भाई, फैक्ट वाले। देखिए कंप्रिहेंशन भी 3 प्रकार से होते हैं, एक तो फैक्चुअल, फैक्टुअल उसमें फैक्ट होती है दी हुई, इतने साल का था, इतने साल पहले ये हुआ, इतने उसमें ये थी, वहां से वो गया, इतने वर्ष का था, ये हुआ, इस प्रकार से आंकड़े दिए हुए होते हैं, उसको सोल्व करना, उसके आंसर देना आसान होता है। एक दूसरा आइडियाज पे डिपेंड करता है, आइडियाज वाला होता है, ओपिनियन दी हुई होती है उसमें, इसके बाद आपको उसके अंदर कोई थियरी दी हुई होगी या उसके अंदर कोई किसी प्रकार की लंबी सी डिफिकल्ट स्टोरी दी हुई होगी, वो जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। अब केवल और केवल पहले आप इजी क्वेश्चन को हम देखेंगे तो क्या होते हैं, इजी फैक्ट वाले होते हैं, और वो किस प्रकार के क्वेश्चन करता है आपसे, वैन से शुरू होने वाला क्वेश्चन करता है, वैन यानी कब, वेयर कहां, छोटे छोटे स्थान का नाम, हु कौन, हुम किसे, हुज किससे, या यस नो क्वेश्चन पूछता है आपसे, यस नो क्वेश्चन। जैसे यस नो क्वेश्चन क्या हुआ कि मान लीजिए ये कहो कि क्या और उसका बेटा कैप्सिकम पिज्जा को पसंद करता था, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, क्या डिड हिज सन लाइक कैप्सिकम पिज्जा, तो हमने यस नो में आंसर देना है, यस ही लाइक्ड, इतना ही तो देना है। तो ये जो है इसका लेवल इजी होता है, यहां इजी लेवल होता है, एक टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है, दूसरे टाइप का पूछता है डिफिकल्ट, वो आइडिया पे होता है, ओपिनियन पे, व्हाट व्हाई और हाउ, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, हाउ यानी कैसे, व्हाई मैंने क्यों, व्हाट यानी क्या, ये पूछता है। इसमें एक चीज और, हाउ मैनी इस प्रकार से, हाउ मैनी और हाउ मच, इस भी ये भी आसान से ही होते हैं अपने, हाउ मैनी यानी कितने और हाउ मच यानी कैसे। जैसे ये क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है यहां पे, हाउ मैनी पिज्जाज डिड ही ऑर्डर, अब हाउ मैनी यानी कितने,
अब आसान प्रश्न है तो हम देखेंगे यहां पे थ्री है, यानी फैक्ट है यानी आंकड़ा है, तो हम आंसर क्या देंगे, ही ऑर्डर्ड थ्री अनियन पिज्जाज, आंसर आसान है अपना। अब देखिए वाई डिड हिज सन बी अपसेट, अब ये वाई से शुरू होने वाला है यानी डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन है, वह उसका बेटा क्यों परेशान था। अब देखिए अब ये आंसर तो नहीं दे सकते हम, बिकॉज ही लाइक द कैप्सिकम पिज्जा, इतना तो आंसर नहीं दे सकते, अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका रीजन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वह कैप्सिकम पिज्जा पसंद करता था इसलिए वो अपसेट था, तो हमने यहां से आंसर देना पड़ेगा, हिज सन वॉज अपसेट बिकॉज ही लाइक्ड कैप्सिकम पिज्जा। तो यहां पे और ये लेवल डिफिकल्ट होता है, इसके बाद एक तीसरा और लास्ट इस प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछता है कि सिनोनिम्स इसका क्या होता है, एंटोनिम्स इसका क्या होता है, मीनिंग ऑफ फ्रेज, फ्रेज का क्या मीनिंग है, यूज इन सेंटेंस, इस फ्रेज को सेंटेंस में यूज कीजिए, वर्ड को सेंटेंस में यूज कीजिए। तो इस प्रकार से सिनोनिम्स, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लीजिए अपने से ये वर्ड पूछा, सिमिलर वर्ड ऑफ यम्मी, यम्मी का सिमिलर वर्ड क्या होगा, अब इस पूरे पैसेज में आप पढ़िए एक बार, आई वॉज गोइंग टू लाइट एक पिज्जा इट्स, अब इसमें जो भी कोई आपको टफ सा वर्ड दिखाई दे रहा है उस पर निशान लगा दो, ये देखिए डेलिशियस, डिलीशियस बोला जाएगा, डिलीशियस, अब डिलीशियस जो वर्ड है ये ऐसा लग रहा है, हमारे को इसका मीनिंग नहीं पता मान लीजिए, लेकिन ये वर्ड सबसे टफ सा लग रहा है, तो आप लगभग मान के चलो, मैं कंप्लीट इसके बारे में आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन लगभग ये होता है कि उसका आंसर वही होता है। तो आप यम्मी मींस डिलीशियस, यदि आप डिलीशियस ये कहते हैं तो आपका आंसर यहां पे ठीक है, लेकिन कई स्थितियों में गलत भी हो सकता है, इसकी 100% गारंटी नहीं है। यदि आपकी अच्छी वोकैब है, यदि आप बार बार पढ़ते हैं तो आप वोकैब कहां से होगी, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपकी वोकैब डेफिनेटली जो आपकी वोकैब अच्छी होगी पक्का, आप अच्छी स्टोरी इंग्लिश में पढ़ते हो, आप जो जिस खबर को पसंद करते हो उसको इंग्लिश में पढ़ते हो, तो आपकी वोकैब ऑटोमेटिक जो है क्रिएट होती जाती है, आपको रटने की मीनिंग रटने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए खैर ये जो है लास्ट वाला, सेंटेंस में यूज करना है तो आप सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसको आप थोड़ा सा भी लगभग सेंटेंस मीनिंगफुल बना देते हैं, यदि आपको उसका अर्थ भी नहीं पता तो संभावना जो है पॉसिबिलिटी ठीक होने की होती है। चलिए अब जो है मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं लास्ट में, ये जो है ये मैटर हमने कंप्लीट कर लिया, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कंप्रीहेंशन का मीनिंग मैंने आपको शुरू में बताया था, तो कंप्रीहेंशन का जैसा मीनिंग है, देखिए शुरू में ही पेपर के कंप्रीहेंशन मिलते हैं, कोई एग्जाम जो है आपका सामने, कोई चाहे वो हिंदी के कंप्रीहेंशन हो या फिर वो इंग्लिश का कंप्रीहेंशन हो, लेकिन हम इसको इतने हल्के में जज करते हैं, आप ग्रामर के एक फंक्शनल ग्रामर के एक आर्टिकल को, व्यक्ति स्पेसिफाइज को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को उतना टाइम लगाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जब आपके सामने ये कंप्रीहेंशन वर्ड आता है तो कंप्रीहेंशन के नाम पर आप बैक मारते हो, पीछे हटते हो। कितने कंप्रीहेंशन पढ़े होंगे आप, कभी आप अपने आपने आपसे पूछ के देखिए कितने कंप्रीहेंशन आपने पढ़े होंगे, कितनों की प्रैक्टिस की होगी, याद करके देखोगे तो आपको 10-12, ये मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूं जब आप प्लस टू के लेवल के हैं, उस समय तक आप जो है कंप्रीहेंशन को ध्यान से नहीं पढ़ते, एक बार अपने दिमाग से प्रश्न पूछ के देखिए, यदि आप कंप्रीहेंशन पे टाइम लगाते हैं तो आपको कम से कम कंप्रीहेंशन पैसेज, कम से कम हर क्लास में 10 नंबर का, कंपटीशन टेस्ट में 10 से ज्यादा नंबर का आपके सामने फेस होता है, तो आप चुटकियों में कंप्रीहेंशन में नंबर ले सकते हैं, लेकिन आपको एक शर्त है कि जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्टकट नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ डेफिनेटली मैं आपको यह कह सकता हूं, आप इस वीडियो को देखिए, इसको ध्यान से समझिए, वर्ड को बार बार देखिए, आप पक्का आपको कंप्रीहेंशन करते हुए कॉन्फिडेंस आएगा, ये बात मैं आपको विश्वास के साथ आपको यहां पे कह सकता हूं। आप मेरे चैनल अपने इंग्लिश बाय विक्रम सिंह को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यदि आपको इसमें कुछ ऐसा लगता है कि इसमें और जोड़ना चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हां मैं आपको कंप्रीहेंशन, डायरेक्ट कंप्रीहेंशन देके इसी मेथड से, इन्हीं चीजों का यूज करते हुए कंप्रीहेंशन के आंसर दूंगा, लेकिन एक ध्यान रखना है आपने, केवल और केवल मेहनत करनी है और केवल अपने कंप्रीहेंशन पैसेज की बार बार प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स टू लिसन मी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।